अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। आज की वीडियो मेरी घरेलू बहनों के लिए थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज कोई रेमेडी नहीं है, बल्कि मेरी उन किचन लवर बहनों के लिए तोहफा है जो हमेशा अपनी घर गृहस्थी और फैमिली को लेकर थोड़ी कॉन्शियस नजर आती है। आपको याद होगा कि आज से कोई एक साल पहले मैंने एक फूड प्रोसेसर यूनिट खरीदा था और आपको दिखाया भी था और कहा था कि मैं इसे यूज करूंगी और फिर इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी। तो आज हम करेंगे जी इसका मुकम्मल रिव्यू और शेयर करूंगी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, और प्रैक्टिकली यूज करेंगे वन बाय वन सारे टूल्स कि ये कैसा काम करते हैं, देखेंगे कि ये कितना पायदार है और क्या हम इसे अपने किचन के लिए या अपनी बहन बेटी के जहेज के लिए खरीद सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ बताऊंगी कि इस तरह के कितने और फूड प्रोसेसर मार्केट में मौजूद हैं। पहले पहल तो आम नेशनल का जूसर ब्लेंडर हर घर में हुआ करता था, जिसे 3-in-1 बोलते थे और वही यूज किया जाता था और उसी से ही सारे काम ले लिए जाते थे। लेकिन अब मार्केट में बहुत सी वैरायटी आ चुकी है जिसमें लोग मल्टी फंक्शनल फूड प्रोसेसर लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर इस जैसी चीज किचन में मौजूद हो तो आपके बहुत सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। मैंने लिया था जी NX कंपनी का फूड प्रोसेसर। मॉडल नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये उस वक्त तकरीबन 16 से 17 हज़ार में अवेलेबल था। अब तो और भी काफी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन NX मार्केट में काफी इन है और के हवाले से इसकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। लेकिन अगर इसके अल्टरनेट आप जाना चाहें तो मशहूर कंपनियों में वेस्ट पॉइंट, कैनवुड, पैनासोनिक और फिलिप्स वगैरह शामिल हैं। मुझे सबसे ज्यादा मुतासर किया था इसके मीट चॉपर ने कि जी आप कीमा घर पर बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात एमी फजूल लगी थी कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैंने सोचा चलिए जी चेक करते हैं कि कीमा बनाता है या नहीं। इस फूड प्रोसेसर की खास बात जो है वो है इसकी बेस मोटर। 1100 वाट की ये पावरफुल मोटर इसके सारे फंक्शंस को बड़े अच्छे से परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करती है और आपके सारे काम सेकंड्स में हो जाते हैं। खैर जी, मैं इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ और रैपर्स वगैरह हटाकर सारे आइटम्स बाहर निकाल कर रख लिए हैं। सो सबसे पहले हमें इसमें मिल जाती है जी मोटर, मिल्क शेक जग, सिट्रस जूसर, मीट चॉपर, एग बीटर, 3 तरह के डिस्क ब्लेड्स फॉर स्लाइसिंग, श्रेडिंग एंड चिपिंग। उसके बाद जी जूसर, मल्टी फंक्शनल बाउल, कैरेट जूसर, ग्राइंडर और स्पैचुला। ये मटेरियल को बाउल के अंदर से निकालने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके ब्लेड काफी तेज होते हैं, जरा सी बेएहतियाती और कट लग जाता है। जैसे जायद मेरी हेल्प करवाने आए थे और जख्मी होकर वापस चले गए। खैर जी, शुरू करते हैं इन 3 डिस्क से। यहाँ मेरे पास रखे हुए हैं खीरे, इन्हें स्लाइसिस में भी कट किया जा सकता है और कद्दूकश भी किया जा सकता है। चाहे बारीक कद्दूकश कर लें, चाहे थोड़ा मोटा। इसके अलावा आप इस डिस्क से वेवी या फिंगर चिप्स भी काट सकते हैं। खैर जी, इसको असेंबल करते हैं और सबसे पहले बाउल को उठाकर मशीन के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। इसमें बहुत सी सेफ्टी लॉक्स हैं, अगर सही एडजस्ट ना हो पाए या लॉक प्रेस ना हो तो चलेगा नहीं। उसके बाद है जी यहाँ पर मेरे पास छोटी सी शॉफ्ट, सारा काम इसी का है। अगर ये गुम हो गई ना तो समझिए कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर मैंने ये डिस्क लगाई और कवर लगाकर लॉक कर दिया। अब ये ऑन हो गया है और डिस्क स्लो स्पीड पर घूम रही है। खैर जी, मैंने इसके अंदर को कंबल इंसर्ट किया और इसने देखते ही देखते झटपट में बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसके स्लाइसेस बना दिए। अब मैं जी इसे बंद करके दिखाती हूँ कि इसने कैसे गोल और ओवल शेप में खीरे कट कर दिए हैं। सो जी, इसने पहला इम्तिहान पास कर लिया, क्योंकि ये बहुत आसान था। आगे क्या बनेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। इसी तरह मैंने खीरे की श्रेडिंग के लिए दोबारा असेंबल किया और वो भी इसने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कर दी, जो कि आपके सामने है, लेकिन इस तरह के कुछ पीसेस बच गए हैं। नेक्स्ट बारी थी जी बड़े इम्तिहान की, जिसके लिए मैं भी जाती तौर पर बड़ी एक्साइटेड थी। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1 किलो बोनलेस बीफ और 2 किस्म के टूल्स, एक चॉपर और दूसरा मिक्सर। मतलब अगर आप शामियां वगैरह बनाते हैं तो मसाला भी अंदर ही मिक्स हो जाएगा। फिर दोबारा से बाउल को रखकर असेंबल किया और फिर चॉपर फिक्स कर दिया, कवर लगाकर सेफ्टी लॉक्स लगाए और ऑन कर दिया। फिर 4 से 5 अदद बोटियां उठाकर इसके अंदर डाल दी और मेरा ख्याल है कि 15 से 20 सेकंड्स में इसने गोश्त को बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए वाकई माइंड ब्लोइंग था कि ये गोश्त को कितनी खूबसूरती से कीमा बना रहा है। आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। फिर मैंने इसको बंद करके स्पैचुला की हेल्प से गोश्त को बाहर निकाला और चेक करने पर देखा कि गोश्त का बिल्कुल बारीक बारीक कीमा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने बड़ी ही बारीकी से रेशा रेशा बना दिया है। और आपको तो पता ही होगा कि शामी कबाब, नगेट्स वगैरह बनाने के लिए ये मीट इंतहाई आइडियल है। खैर जी, मैं जैसे जैसे इसको चेक करती जा रही थी, इसकी फैन होती चली जा रही थी। इसकी परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्टरी थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरे पैसे जाया नहीं हुए। ये प्रोसेसर किसी भी किचन की जीनत बनने के लिए बेस्ट था।
असल चेकिंग तो गोश्त की ही थी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने इसके सारे टूल्स चेक किए, वो भी शॉर्टली आपको दिखाई देती हूँ। जैसे कि हमारे घर में किसी न किसी सूरत में ड्राई फ्रूट पाउडर फॉर्म में मौजूद रहता है, तो मैंने इसका ग्राइंडर चेक करने के लिए काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट लेकर इसी मिक्सी में डाला और फिर इसे ग्राइंड करना शुरू कर दिया। 10 से 15 सेकंड्स में ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग। इसी तरह जी फिर मैंने बारी बारी सारे टूल्स लगाकर देखे कि कहीं कोई फ्लॉज नजर आ जाए। किन्नू जूस एक्सट्रैक्टर लगाकर किन्नू का जूस निकाल कर देखा। इसने बड़े ही मजे के साथ एक्सट्रैक्ट किया, बल्कि पीने में भी मजा आया, क्योंकि किन्नू के अंदर जो मजे के चंक्स होते हैं, इसने उन्हें क्रश नहीं किया, बल्कि उसी तरह जूस के अंदर आ गए, जो कि पीने में बहुत मजा करवा रहे थे। उसके बाद जी एप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी बहुत मजे का बना, जिसके कलर्स भी खूबसूरत लग रहे थे और पीने में भी कमाल का था। इस तरह की चीजें अगर घर में हो तो खाने पीने का शौक बढ़ जाता है। इसका एग एंड रायता बीटर भी बहुत मजे का था और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। और एंड पर इसका जो गाजर जूस एक्सट्रैक्टर होता है, उसके लिए मशीन को असेंबल किया और फिर गाजर जूस निकाल कर देखा। दिस वॉज ऑल्सो रियली अमेजिंग। बड़े प्रोफेशनल वे में गाजरों को क्रश कर रहा था और साइड से बड़े मजे से जूस निकल रहा था। देखने में तो कमाल लग ही रहा है, जाहिर है पीने में भी जबरदस्त था। जी इस फूड प्रोसेसर के बारे में मेरा कंक्लूजन ये है कि ये बहुत ही एडवांस, गुड क्वालिटी और बेहतरीन मॉडर्न किचन आइटम है। और अगर आप नया किचन सेट करते हैं तो इस तरह की चीज होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसे कुछ शिकवे भी हैं। पहला शिकवा, अब इसकी कीमत 19 से 20,000 तक पहुंच चुकी है, मतलब महंगा बहुत है। दूसरी बात, टूल्स को असेंबल करना, इन बिल्ट सेफ्टी लॉक्स को ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हर बार इसको यूज करने के लिए आपको किसी न किसी की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी। तीसरा शिकवा कि इस मशीन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर इनमें से कोई गुम हो गया या फिर टूट गया तो पूरी की पूरी मशीन जो है वो बेकार हो जाएगी। मतलब घरों में कोई चीज़ टूट जाना या फिर गुम हो जाना कोई बड़ा मसला या इशू नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाया करता है। लेकिन उस कंडीशन में या फिर उस सूरत में आप लोगों को दोबारा कंपनी से रिक्वेस्ट करनी होगी कि मेरी मशीन का फलां पुर्जा खराब हो गया या टूट गया है तो मुझे भिजवा दीजिए। सो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा हो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। और अगर इस तरह के कोई टूल्स या कोई मशीनरी वो भी लेना चाहते हैं अपने किचन के लिए तो उनके लिए आसानी रहे। मिलते हैं इस तरह के और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।